ना कहीं दुखद कुंभ में परिवर्तित हो जाता है। इसके लिए हम अपनी सरकार का शुक्रिया अदा करेंगे, हम इन भावों को उन तक पहुंचाएंगे और हम यही कल्पना करेंगे कि आने वाले जितने भी कुंभ लगे वो इसी दिव्यता और भव्यता के साथ लगे। एक नया इतिहास रचा गया है मेले के संदर्भ में यदि हम बात करें, और इसीलिए जो है वो इलाहाबाद मेला प्राधिकरण भी तैयार किया गया है जिसके अंतर्गत यहाँ पर मेले की सभी व्यवस्थाएं जो है वो सुनिश्चित की गई हैं। इसकी तैयारियां सालों से चल रही थी और अब जाकर जब ये सफल कुंभ हुआ है तो इसकी संपन्नता पर हर सनातन धर्म के अनुयायी का जो है वो गर्व जो है इस पर पूर्ण रूप से दिख रहा है। क्या कहना चाहेंगे आशीष? नालिन जी, गर्व होना भी चाहिए क्योंकि हम सनातन धर्मी हैं और इस बड़े महा आयोजन से कल्पना कर सकते हैं कि देश और दुनिया में एक ऐसा भी आयोजन हमारी इस धरा पर हो रहा है, प्रयागराज की धरती पर हो रहा है, शायद अन्य कहीं नहीं होगा। हम वो नज़ारे दिखाने की कोशिश में इसलिए इस शोर की तरफ आए हैं कि आखिर में यही संगम कहा जाता है। नौका विहार करते हुए यहाँ पे जो सुरक्षा व्यवस्था की चर्चा भी हम कर रहे थे, NDRF की टीम है, प्लस यहाँ पे अलग अलग तरीके से यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था दी जा रही है, और तादाद जो एक तरफ हम संतों को दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ अब आम जनमानस की भी अगर हम चर्चा करें तो यहाँ पे अन्य स्नानों की अपेक्षा इस बार कुछ कम नहीं है। आप देख रहे हैं कि एक के बाद एक लोग आ रहे हैं और आने के साथ स्नान कर रहे हैं, स्नान के बाद अपने घर को लौट। आशीष, मुझे जो सबसे मजेदार इस वक्त यहाँ पर लग रहा है वो जो ये जो हमारी ओवी वैन्स हैं जिनपे जिनके जरिए हम लोग जो है इस चैनल की फीड को भेज रहे हैं अपने दर्शकों तक, हमारे जो श्रद्धालु हैं वो बेचारे इतने नासमझ हैं कि वो उसी पर अपने कपड़े सुखा रहे हैं, स्नान करके आ रहे हैं, कपड़े सुखा रहे हैं और जाकर वहीं पर खड़े हो रहे हैं। अलग अलग मान्यताओं के आधार पे लोगों की जिस तरीके की सोच होती है वो उसी तरीके से संचालित करते हैं, लेकिन इस महाआयोजन का जो आकलन किया गया था, जो अनुमान लगाया गया था, वो पूरी तरीके से यहाँ पे सफल हो रहा है और ईश्वर की हम यही कामना करते हैं कि इस तरीके के धार्मिक जो आयोजन होते हैं वो ऐसे ही संपन्न हो, जिससे एक चीज़ तो ये साफ हो जाए कि हमारा देश जो है धर्म परंपराओं पर आधारित है। आज इस चीज़ को देख करके बड़ा ही मन गौरवान्वित होता है, गौरवान्वित इसलिए भी महसूस हो रहा है आशीष, क्योंकि जिस तरह से पाश्चात्य सभ्यता हम पर हावी होती जा रही है, हमें ये डर सताता था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी संस्कृति लुप्त हो जाए, कहीं ऐसा तो नहीं कि पाश्चात्य सभ्यता ऐसे हावी हो जाए कि हम इस तरह के अनुष्ठानों को जो है वो किसी तरह का अनुष्ठान ही ना समझे। तो मुझे लगता है अब ऐसा संभव ही नहीं होगा, ये असंभव है कि कभी हम अपनी संस्कृति से दूर होंगे, क्योंकि यहाँ पर युवा भी जो है बहुत बढ़ चढ़कर इस कुंभ मेले में जो है अपना योगदान दे रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं। अगर हम यहाँ की व्यवस्थाओं की बात करें तो जो युवा हैं वो भी हर तरह की यहाँ पर व्यवस्थाओं में जुटे हुए हमें इस पूरे एक महीने में नजर आए, और ये जो हमें गौरवान्वित महसूस कर रहा है, ये जो हमें विश्व गुरु की जो उपाधि दिला रहा है, हम उन्हें नतमस्तक हैं, हम अपने धर्म गुरुओं को नतमस्तक हैं, ऐसे श्रद्धालु स्नानार्थियों को जिनके पास व्यवस्थाएं कुछ नहीं है लेकिन मन में आस्था लिए बस चल आ रहे हैं, चले जा आ रहे हैं। सही बात है, और मैं अपने सहयोगी से ये भी कहूंगा कि वो दिखाएं जो लोगों का समूह है, जैसे आपने कहा कि यहाँ पे लोगों का आना हो रहा है पूरी तादाद में, जैसा कि इसके पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं कि एक अपने समूह का सहयोग देना, अपने समूह के साथ चलने की जो बात कही जाती है, आप अगर देखोगे तो उसमें ये देखने को मिलेगा कि एक प्रतिबिंब झंडे के रूप में वो लेकर के आते हैं और उनसे ये महसूस होता है कि लोग उनके साथ में जहाँ जाना है एक छोर से एक छोर की तरफ एक साथ में लगे हुए हैं। ये संगम क्षेत्र है जहाँ पे स्नान के लिए हर एक श्रद्धालु ये महसूस करता है कि काश एक बार संगम में डुबकी लगाई जाए इस आयोजन का, इस महाआयोजन का, और इस शाही स्नान का पूरा फल मिले। इसी भावना के साथ लोग मेले का पूरा अभिवादन करते हुए, हमारे कैमरा स्क्रीन पे आप देख रहे हैं किस तरीके से लोग अभिवादन कर रहे हैं, स्नान के बाद लोग में कितनी खुशी देखी जा रही है, कहाँ कहाँ से लोग आए हुए हैं। बहुत ही अच्छा लगता है दर्शकों कि जब लोग आपके कार्यों की सराहना करें और ये देखने को मिले कि आपके साथ में वो सहभागिता अपनी सुनिश्चित कर रहे हैं, इसे लग रहा है कि उत्साह काफी देखने को मिल रहा है। और ये झंडा उसी का प्रतीक जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, लोगों में
वोट की तरफ आप देखेंगे तो वो एक तरीके से ये नाविकों का ये पूरा संगम बनाया गया है। यहाँ से आप नाव बुक करेंगी परिवार के साथ में, बोट के पास में जाएंगी, एक तरफ से गंगा जी आ रही है, एक तरीके से यमुना जी आ रही है, वहाँ पे एक जोन बनाया गया है, वहाँ जाके स्नान कर सकती हैं। और संगम का जो कल्पना लोग करते हैं ना शाली जी, वो वही है जो मन में एक विचार लेकर आते हैं कि तीन नदियां जो है वो उनका मिलन होता हुआ जो दिखता है, उन दृश्यों को हर कोई देखना चाहता है। तो उन्हीं दृश्यों को दिखाने के लिए यहाँ पर जो है लोग नौका विहार कर रहे हैं और नाव के माध्यम से पूरे प्रयागराज के दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि ये जो नाव है, ये जो गंगा मैया है, मैंने जैसा कि पहले भी कई बार आपसे चर्चा में कहा है कि यहाँ पर सिर्फ इलाहाबाद में, प्रयागराज में ही ये जो है इतना विशाल अपना आंचल फैलाए हुए हैं, कई किलोमीटर लंबे तक माँ गंगा जो है वो फैली हुई है और लोग नाव पर बैठ कर दर्शन करने के लिए यहाँ पर उमड़े हुए हैं। और जब बात हो कुंभ की तो फिर इसके कहने ही क्या। शाली जी, जब मैं ये नाव को देख रहा था तो अपने सहयोगी से मैं बार बार कह रहा था कि परमानंद जी, वो नाव पे बैठकर जो अनुभव होता है, जो दृश्य देखने में लगता है, हम अपने दर्शकों तक वो बात पहुँचाएं, वो दृश्य दिखाएं जिससे से ये देखने को मिला। इसके बीच हम आपको दूसरी तरफ ले चलते हैं, जहां एक छोर मैंने आपको बताया कि एक तरफ साधु सन्यासी का आना जाना हो रहा है स्नान करने के लिए, और दूसरी तरफ हम आपको दिखा रहे थे कि आम जनमानस किस तरीके से इस पूरे मेले में लुत्फ उठा रहा है। ये किन्नर अखाड़ा जो 14वें अखाड़े के रूप में अपनी मान्यता के लिए लगा हुआ है, वही किन्नर अखाड़ा आज शाही स्नान में शामिल होने के लिए पूरी भावना के साथ में लगा हुआ है। हमारे साथ एक श्रद्धालु हैं, इनसे भी बात करते हैं। आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे गंगा, जमुना, सरस्वती तीनों माएँ मिलती हैं, तो मैं मतलब बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ यहाँ पे आके। अब ये वही दृश्य को मैं शाली जी आपसे साझा करूंगा। देखिए, सिर्फ और सिर्फ ऐसा लग रहा है कि मानो प्रभु की कृपा हो, इतनी बड़ी तादाद और इस तरीके के। देखिए, ये बीच बीच में जो आप देख रहे हैं जी, ये सिंहासन देव को लेकर के जा रहे हैं। बिल्कुल, और नागा साधु वाकई में जो हर किसी के आकर्षण का केंद्र है। ये आप देखिए कितने भव्य, कितने दिव्य इस वक्त नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो बाबा शिव के साथ, जो उनका हमेशा एक कहा जाता है कि वो अपने आप में, जब बाबा शिव की, जब साधुओं की बात हो, नागा साधुओं की, तो फिर बाबा शिव का जिक्र अक्सर आता है। और ये देखिए बिल्कुल, और देखिए किस तरह से, कितने भव्य, कैसे मुंह से धुआं निकालते हुए और बिल्कुल हाहाकार करते हुए, हर्ष उल्लास के साथ ये स्नान करके आगे बढ़ रहे हैं। और वाकई में साक्षात ऐसा लग रहा है जैसे बाबा शिव इन पर अपनी विशेष अनुकंपा बरसा रहे हैं और इनके भीतर कहीं ना कहीं विराजमान है। आप देखिए इनके माथे पर जो त्रिपुंड है, इनके शरीर पर जो लगा हुआ किस तरह से भस्म है और किस तरह से अभिवादन कर रहे हैं, ये मीडिया का पूरी तरह से अभिवादन कर रहे हैं। ये दृश्य बड़ा ही प्यारा है, हाथ में डमरू लिए हुए हैं और मीडिया का अभिवादन कर रहे हैं, नाच रहे, गा रहे, जश्न मना रहे, से लग रहा है मानो इन्हें जीवन का सबसे बड़ा सुख इस वक्त प्राप्त हो चला है। क्या कहेंगे आशीष। और ये देखिए आशीष, एक और अखाड़ा, इधर नागा साधु लौट रहे हैं, उधर दूसरा अखाड़ा अपनी जो है वो प्रतीक्षा, बारी की जो है प्रतीक्षा, जिसमें वो खड़े थे उसको खत्म होते हुए अब बढ़ रहे हैं स्नान के लिए। ये देखिए नागा साधु जाते हुए और एक दूसरा अखाड़ा स्नान के लिए संगम पर बढ़ता हुआ। ये जो अखाड़े हैं, इन अखाड़ों का जो शाही स्नान है, ये साधारण जनमानस के बीच कुंभ में हमेशा से आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। आकर्षण संतों का, आकर्षण गुरुओं का, आकर्षण उन जनमानस का जो अपने पूज्यश्री का दीदार करने के लिए, उनके एक झलक उनकी पाने के लिए इस स्वरूप में बरसों का इंतजार होता है। दर्शकों, हम आपको बताएं, इस मेले का प्रमुख रूप से आयोजन की अगर हम बात करें तो लगभग 6 साल लगते हैं इस मेले में आने में, और 12 साल में महाकुंभ का आयोजन अद्वितीय है। क्या कहना है इस लोगों का और इस महा आयोजन का, योगी सरकार और साथ ही साथ इस आयोजन को लेकर के संतों का जो समागम है, जो व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है, पूरी रांची अंदाज में यहाँ पे देखने को मिल रहा है, दिव्य दिव्य लोगों का दर्शन हो रहा है, बरसों बाद साक्षात्कार हुए हैं, कोई किसी क्षेत्र में, कोई किसी क्षेत्र में अपना जलवा
स्थापित करते हुए इस महाआयोजन को लेकर के अलग अलग भावनाएं लोगों में देखने को मिल रही है। इस महाआयोजन को अगर आप देखेंगे तो प्रयागराज की पावन धरती पर इस मेले का भव्य और दिव्य जो नाम दिया गया है कहीं ना कहीं यह स्थापित करता हुआ दिख रहा है। आप देख रहे हैं झंडे के साथ में किस तरीके से टीवी स्क्रीन पर जो आपको देखने को मिला, कितना विशाल इनका ध्वज था और अब ये अपने क्षेत्र की तरफ बढ़ते हुए, और दूसरा जो मठ है, जो दूसरे गुरु हैं वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि 40 मिनट का पूरा समय दिया जाता है एक अखाड़े को स्नान करने के लिए, और उस स्नान के अंतराल में देखिए ये मस्त इसी मौले के लिए जाने जाते हैं। हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि वो दिखाएं कि किस तरीके से वो भगवान शिव के अलग अलग रूप हैं, उसी रूप में एक रूप इनका भी देखने को मिलता है। ये नागा साधु हैं, ये इतनी ठंड है लेकिन वैराग्य जब भाव मन में उत्पन्न होता है तो सब कुछ इस दुनिया का जो मोह है, जो जंजाल है वो छूट जाता है, उसके बाद ही ये इस रूप में आते हैं। नागा साधुओं की अपनी अपनी परंपरा है, उस परंपरा के अनुसार ये तीसरा शाही स्नान संपन्न होता आपके सामने दिख रहा है। और इसी रूप में शालिनी जी क्या कुछ कहेंगी आप इस दृश्य को देखकर, किस तरह से अपनी जटाओं को हाथों में थामे हुए और अपनी इन कीली जटाओं के साथ भव्यता के साथ मस्त मौला अंदाज में ये नागा साधु बढ़ते और देख रहे हैं कि कितना विशाल अपना ध्वज लेकर ये बढ़ रहे हैं, वो ध्वज जो इनका परिचायक है, वो ध्वज जो इनकी पहचान है, इनकी निशानी है। अपने उस ध्वज के साथ ही आगे बढ़ रहे हैं अपने अंदाज में, और वही इनका अंदाज जो हमेशा से लोगों के बीच लोकप्रिय होता रहा है। बड़े अद्भुत दृश्य इस वक्त यहाँ पर इस धरा पर हमें देखने को मिल रहे हैं। यहाँ की रज जो है वो वाकई में अपने आप को कितना गौरवान्वित महसूस कर रही होगी। आज साक्षात जो ईश्वर हैं, देवी देवता हैं, वो इन सब को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं और वही सब कुछ हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है।